नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मनरेगा के कार्य विद्यालय स्टेज निर्माण में ग्राम पंचायत बाबा की बार के श्रमिकों को कार्य के दौरान आईपीएल ग्लोबल लिमिटेड द्वारा हुआ राजपुष्ट कार्यक्रम। किसान बिल के मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी पंचायत राज चुनाव में। आसपुर में भी हुआ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। बिजली बिल के 4.5 करोड़ बकाया, अब कटेंगे कनेक्शन। पहली बार बाइक पर दूध बेचने वालों से भी लिए दूध और छाछ के सैंपल। और अब खबरें विस्तार से। मनरेगा के कार्य विद्यालय स्टेज निर्माण में ग्राम पंचायत बाबा की बार के श्रमिकों को कार्य के दौरान आईपीएल ग्लोबल लिमिटेड द्वारा राजपुष्ट कार्यक्रम हुआ। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ने अभियान में विभाग द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और आईपी ग्लोबल लिमिटेड के सहयोग से पूरे जिले में जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के पति, सास, ससुर, पिता और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ और हृष्टपुष्ट शिशु के जन्म के लिए गर्भवती महिला की देखभाल के तरीकों, खान पान की आदतों, नियमित स्वास्थ्य केंद्र पर जांच और आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रतिमा वजन की जांच की आवश्यकता की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ लेने के बारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि मातृ वंदन योजना में प्रथम बार की गर्भवती महिला को योजना अंतर्गत सरकार द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग हेतु आर्थिक लाभ दिया जाता है और गर्भावस्था के दौरान पोषण की जरूरतों और प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस बैठक में सभी सदस्यों को गर्भवती महिला को जाँच हेतु केंद्र पर लेकर जाने, पोषक तत्वों के उपभोग, स्वास्थ्य केंद्र पर ही प्रसव करवाने और माँ और शिशु के संपूर्ण टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक किया गया और कार्यक्रम संबंधित वीडियो प्रदर्शित भी किया गया। साथ ही COVID-19 से बचाव और मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की भी शपथ ली। कार्यक्रम में मेट मोहनलाल राणा 32 महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल पर हस्ताक्षर अभियान के डूंगरपुर जिला प्रभारी पूर्व विधायक बड़ी सादरी प्रकाश चौधरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आसपुर क्षेत्र की मीटिंग रखी गई, जिसमें अधिक से अधिक किसानों को हस्ताक्षर कर फॉर्म प्रत्येक पंचायत स्तर के ब्लॉक में जमा कराए गए। साथ ही पंचायत चुनाव का आगाज किया गया। पंचायती राज चुनाव आसपुर प्रभारी रतन देवी भराड़ा, जगदीश पंड्या, उर्मिला हारी, सुरमाल परमार ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में पार्टी को जिताने का आह्वान किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह ने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप टिकट वितरित करने की बात कही। पूर्व विधायक राइया मीना ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में जीत हासिल करने की बात की। कमल मेहता, वालजी भाई, पूर्व प्रधान नाथू भाई ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक राइया मीणा ने की, संचालन संगठन महामंत्री मणिलाल जोशी ने की, आभार गौतम सिंह ने किया। सभा के बाद कांग्रेस के आसपुर क्षेत्र के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोहनजी सेवक व सागवाड़ा क्षेत्र के वरिष्ठ दिलीप सेठ के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर दिगपाल सिंह चौकवासा, लक्ष्मण बंजारा, प्रवीण कोठारी सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। डूंगरपुर जिले के आसपुर में प्रशासन की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आसपुर में मिठाई, मावा और तेल का सैंपल लिया गया। सरकार की ओर से अभियान को लेकर अजमेर से विशेष ड्यूटी पर लगाए गए फूड इंस्पेक्टर गोविंद साय गुजर व नीलेश खाट, आसपुर SDM प्रवीण कुमार मीणा, आसपुर पुलिस की टीम की मौजूदगी में मिष्ठान भंडार से मावा, पेड़ा और दुकान से तेल का सैंपल और अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। अजमेर से आए फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि डूंगरपुर, बिछवाड़ा और सीमलवाड़ा के बाद आज आसपुर में अभियान के तहत ही सैंपलिंग ली गई है। त्योहारी सीजन में उपभोक्ता को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसकी सुनिश्चितता तय की जाएगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिस्कॉम के MD के सख्त निर्देश के बाद बुधवार से डूंगरपुर शहर सब डिवीजन की ओर से रिकवरी अभियान शुरू हो रहा है। अयन योगेश पंचाल ने बताया कि डिस्कॉम के करीब 5,210 से अधिक नियमित उपभोक्ता ने अपने बिजली के बिल जमा नहीं कराए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जौथरी पंचायत समिति क्षेत्र के 1,30,00,000, विकास नगर में 1,10,00,000, पुराने शहर 1,05,00,000 और नए शहर में 1,00,00,000 की रिकवरी करनी है। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें 500 रुपये से अधिक बकायत रखने वाले उपभोक्ता के सीधे बिजली का कनेक्शन विच्छेद करेगी। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से रिकवरी को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसमें अब राजस्व रिकवरी बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अभियान के माध्यम से रोज का लक्ष्य तय किया गया है। इसी लक्ष्य के आधार पर अब कनेक्शन काटे जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि बिल जमा करवाने के लिए काफी समय से इनसे आग्रह किया जा रहा है, लेकिन अब कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जिले में भी टीम बनाकर लगातार जांच की जा रही है। बुधवार को भी 2 टीमों का गठन कर अलग अलग जगहों पर जांच की गई, जिसमें रसद विभाग की ओर से पेट्रोल पंपों की जांच की गई। वहीं दूसरी टीम ने दुकानों और दूध छाछ के सैंपल लिए, जहां रसद विभाग की ओर से 4 पेट्रोल पंप, जिसमें कॉलेज रोड स्टेशन बांसवाड़ा, HP फिलिंग स्टेशन कुपड़ा, प्रशांत ऑटोमोबाइल तलवाड़ा और उदारजी का पाड़ा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप की जांच की गई। प्रवर्तक निरीक्षक सोहन सिंह चौहान ने बताया कि सभी पेट्रोल पंप सही पाए गए, जिसमें
स्टॉक माप अन्य तरह के कागजों की जांच की गई जो बिल्कुल सही पाई गई। वहीं दूसरी टीम ने दुकानों के साथ ही बाइक पर दूध व छाछ बेचने वालों के यहां भी सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता ने बताया कि 181 पर शिकायत के बाद उदयपुरा बड़ा में दूध बेचने वाले बाइकों को रोका और उसके दूध के सैंपल लिए हैं। वहीं एक और बाइक वाले से छाछ के भी सैंपल लिए गए। इसके अलावा बागीदौरा में स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से बर्फी और मेहता ब्रदर्स के यहाँ से घी के सैंपल लिए गए जिनको जांच के लिए भेज दिया गया है। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।